नमस्कार, आप देख रहे हैं YAS न्यूज। अपना दल के स्वार विधायक व मंडल प्रभारी शफीक अहमद अंसारी का ग्राम उमरी कला के ब्राइटलैंड सेकेंडरी पब्लिक स्कूल के कार्यक्रम में हुआ भव्य स्वागत। मुख्य अतिथि का स्कूल प्रबंधक ने बुके एवं हार पहनाकर स्वागत किया। मंडल प्रभारी विधायक शफीक अहमद अंसारी ने ब्राइटलैंड सेकेंडरी पब्लिक स्कूल के बच्चों को वार्षिक रिजल्ट, खेल की किटें एवं पुरस्कार वितरण किए। मंडल प्रभारी ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा भविष्य का पासपोर्ट है, क्योंकि कल उनका है जो आज इसकी तैयारी करते हैं। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार, जिसका का उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। शिक्षा समाज की आत्मा है, क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती रहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा आपसे कभी कोई छीन नहीं सकता। जितना आप दूसरों को सिखाएंगे, आपकी शिक्षा का ज्ञान उतना ही बढ़ेगा। मंडल प्रभारी ने आगे कहा कि पश्चिमी यूपी में अपना दल का मैं एकमात्र विधायक हूं। अब हमें पश्चिमी यूपी में भी अपना दल का झंडा लहराना है। अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन अनुप्रिया पटेल गरीब, पिछड़ों, शोषित समाज के लोगों की लड़ाई लड़ती है। वे हमेशा संसद में गरीबों के हितों के लिए आवाज उठाती रहती हैं। तीसरी बार NDA सरकार बनने जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व हमारा देश आगे बढ़ रहा है। हमारे देश की सरकार नई से नई योजनाएं लागू करके हमारे देश के लोगों को समर्पित कर रही है। हमें फिर एकजुट होकर तीसरी बार NDA की सरकार बनानी है। बहन अनुप्रिया पटेल जी के हाथों को मजबूत करना है। NDA का जो भी प्रत्याशी होगा, उसे एकजुट होकर चुनाव लड़ाया जाएगा। इस मौके पर जिलाध्यक्ष मुरादाबाद कलीम अंसारी, प्रदेश महासचिव जकीउल नासिर, आरिफ मलिक एवं समस्त नगर और ग्रामवासी मौजूद रहे। आज इस ब्राइटलैंड पब्लिक स्कूल में उपस्थित सभी हमारे अभिभावकगण, स्कूल के हमारे प्रबंधक महोदय और हमारे समस्त टीचर्स, हमारी पार्टी अपना दल के जिलाध्यक्ष भाई अंसारी साहब, हमारे इस गांव के प्रधान जी, दूसरे पड़ोस के प्रधान जी और हमारे RLD के नेता चौधरी साहब और हमारे अंसारी साहब, सभी जितने उपस्थित हैं, सबको मेरा बहुत बहुत सादर नमस्कार, आदाब। आज ब्राइटलैंड पब्लिक स्कूल में रिजल्ट बांटने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। मैं इसके लिए यहाँ के प्रबंधक और पूरे जितने भी स्टाफ है, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि मैं अपना दल ऐसा एकमात्र स्वार, आपने नाम सुना होगा स्वार रामपुर पड़ता है, जिसमें समाजवादी पार्टी के एक बहुत कद्दावर नेता, उनका बेटी की सीट थी, उसी चुनाव में जीत करके आया हूँ और आपके बीच यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। इन्होंने मुझे इन्वाइट किया, मैं यहाँ उपस्थित हुआ। सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और कितने बच्चों को आज रिजल्ट आया है, आप सब लोग जितने बच्चे हैं, आप मेहनत करें और जब मेहनत करेंगे उसमें से कोई DM बनेगा, कोई SP बनेगा, कोई SDM बनेगा, बहुत अच्छे अच्छे पदों को जाएंगे। तो मैं सबसे अपील गुजारिश करूंगा, आप बहुत मेहनत करें, क्योंकि आप ही हमारे भविष्य, देश का भविष्य। मैं अभिभावक गणों से भी अपील करूंगा कि अपने बच्चों का भी वो भी विशेष ध्यान रखें कि वो पढ़ाई में रुचि कम रखते हैं तो उनको ज्यादा बताएं कि नहीं, जो टीचर्स हमारे कहते हैं उनकी बात का अमल करें। क्योंकि हमारे पिता के बाद टीचर्स का जो है, हमारे उस्ताद का बहुत बड़ा रुतबा होता है। इसलिए सभी लोगों से मैं, जितने भी हमारे बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं, सबका मैं खैर मकदम स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आप आगे बढ़ो,
जिससे हमारा देश आगे बढ़ेगा। और आप ही में से कोई यहाँ से आईएएस आईपीएस आईएफ कोई बनेगा जिससे हमारे मराठवाड़ा का नाम रोशन होगा, पूरे यूपी का नाम रोशन होगा। बस मैं अपनी बाड़ी को ही ग्राम लाता हूँ, इसी अपने सप्तम शब्दों में जुड़कर मुझे कई जगह प्रोग्रामों में जाना है। आप सब लोग हैं, मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत, खुला भारत।